हाय एवरीवन, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के इस वीडियो सीरीज़ में मैं प्रिंस आप लोगों का वेलकम करता हूँ। आज हम लोग एक क्वेश्चन पर बात करेंगे जिसका नाम है सेफ एंड ग्लव्स, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स है, तो ये क्वेश्चन लेने का मेरा पर्पस ये था कि बेसिकली मेरे स्टूडेंट्स जो है वो लंबे लंबे क्वेश्चन देख के आजकल डर जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन लिटरली थोड़ा लंबा है एंड थोड़ा समझने में दिक्कत भी होता है। तो आइए इस क्वेश्चन को मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा खुद से पढ़ूंगा और फिर समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसका जो क्वेश्चन का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए। विंटर हैज़ फाइनली कम टू सेफलैंड, ठीक है। सो सेफ बाउट ग्लव्स फॉर हर सेल्फ। सेफ हैज़ ए हैंड विथ एन फिंगर, सेफ के पास एन फिंगर्स है। एंड फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी लेट अस कंसीडर द थंब अ फिंगर टू, मतलब कह रहा है कि हम लोग अंगूठा को भी एक फिंगर मानेंगे। फिंगर का नंबरिंग कहाँ से है, 1 से n तक। एंड ग्लव्स का जो सीथ मतलब कि जो फिंगर्स के वो कवर्स होते हैं, ठीक है, जो ग्लव्स में जो उंगलियाँ होती हैं वो, एंड उसका नंबर 1 से n तक है। एक फिंगर के लिए एग्जैक्टली एक ही सीथ है। नाउ यहाँ तक क्लियर। एक यहाँ पे लिखा है यू आर गिवन द लेंथ ऑफ सेफ फिंगर एज सीन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो सेफ का फिंगर है उसको लेफ्ट से राइट तक देखना है। एंड यू आर ऑल्सो गिवन द लेंथ ऑफ सीथ ऑफ ग्लव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज सीन फ्रॉम द फ्रंट, अगर हम लोग फ्रंट से देख रहे हैं तो लेफ्ट से राइट देखेंगे सीथ को भी और फिंगर्स को भी। मैं डिटेल में और समझाऊंगा कि क्वेश्चन स्पेसिफिकली क्या क्या रहा है, मतलब मैं आपको पढ़ने की आदत डलवा रहा हूँ कि लंबे क्वेश्चन देख के लोग छोड़ा मत कीजिए। क्वेश्चन जितना बड़ा होता है ना वो क्वेश्चन उतना ईजी होता है। अब नाउ सेफ कैन वियर द ग्लव नॉर्मली, द फ्रंट साइड ऑफ द ग्लव मैचिंग द फ्रंट ऑफ सेफ हैंड, जो फ्रंट हैंड है आगे का जो हाथ है वो एज इट इज जो ग्लव्स का जो आगे का पार्ट है वैसे वो मैच करके पहनते हैं, ठीक है। और वो जो है सी कैन फ्लिप द ग्लव एंड देन इंसर्ट हर हैंड। बहुत बार हम लोग ठंड के टाइम में होता है कि हम लोग भी ग्लव्स को उल्टा कर देते हैं, ठीक से अगर उंगलियों में अट नहीं रही है वो ग्लव्स तो हम लोग ग्लव्स को उल्टा कर देते हैं फिर पहन लेते हैं, तो फिर ग्लव्स हम लोग के हाथ में आ जाता है। तो यही वो कर रहा है कि वो फ्रंट से भी पहन रही है और बैक से भी पहन रही है। तो हम लोग को बेसिकली ये पता लगाना है ना कि वो फ्रंट से पहनेगी ग्लव्स को कि बैक से पहनेगी। अब एक ऑब्वियस चीज़ है कि ग्लव्स इंसान कब पहन सकता है, जब जो ग्लव्स की जो उंगलियाँ की जो लेंथ है वो बड़ी हो या बराबर हो हमारे फिंगर्स के लेंथ से। समझ में आ रहा है? तो अभी आप लोगों को पता लगाना है कि आगे से पीछे से दोनों से पहन सकती है तो बोथ प्रिंट करवाएंगे हम लोग, अगर उसे आगे से पहन सकती है तो फ्रंट, अगर से पीछे से पहन सकती है तो बैक, और नहीं पहन पा रही है ग्लव्स तो नन। और ये रहा इनपुट, ठीक है, पहले टेस्ट केस मिल रहा है, देन एन मिल रहा है कि नंबर ऑफ़ फिंगर्स कितने हैं। अब नंबर ऑफ़ फिंगर्स ज़रूरी नहीं है, हम लोग के पास तो 10 है, अब ज़रूरी नहीं है ये इमेजनरी केस है, तो नंबर ऑफ़ फिंगर्स इन्होंने एन मान लिए हैं, ठीक है। अब एग्जैक्टली यहाँ पे फिर उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि जो केस वन है उसको कैसे हम लोग सॉल्व करें। अब मैं आपको जो मैं समझाता हूँ जैसे वो मैं समझाता हूँ। नाउ कम टू पॉइंट, विंटर का टाइम आ चुका है एग्जैक्टली, सेफ के पास एन फिंगर्स है कुछ इस तरह से, इसमें यहाँ पे टोटल 10 है आई नो, बट एन कुछ भी हो सकता है। उसको पहनना क्या है, ग्लव्स। यहाँ तक क्लियर ना? अब मैं फिंगर्स का डिजाइन थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से फिंगर्स है। अब फिंगर्स इस तरह से है और काउंट कहाँ से करना है, मान लो ये फ्रंट है हम लोग हाथ देख रहे हैं तो लेफ्ट से राइट की तरफ हम लोग इसको काउंट करेंगे, टोटल एन फिंगर्स है। मैं अगर और डिटेल में बात करूँ तो फिंगर्स में नंबरिंग दे दिया लेफ्ट से राइट तक, 1 से 8 तक। अब जो ग्लव्स होगा फ्रंट फेस का उसका भी नंबरिंग कैसा होगा, जो ग्लव्स होगा फ्रंट फेस का उसका भी नंबरिंग होगा 1 से 8 तक एग्जैक्टली। अब 1 का जो फिंगर है इट मीन्स कि जो ब्लैक वाला फिंगर रिप्रेजेंट कर रहा है और येलो वाला ग्लव्स के साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो फर्स्ट फिंगर फर्स्ट वाले ग्लव्स के सीथ के अंदर जाएगा तो कब अटेगा ये चीज़, जब फिंगर छोटा हो या बराबर हो ग्लव्स के लेंथ के, तब जाके ये काम होगा हमारा एग्जैक्टली। अगर आठों फिंगर्स में अगर ये चीज़ कंडीशन मैच करेगा इट मीन्स कि वो इंसान फ्रंट से ग्लव्स पहन सकता है। ऑल्दो अगर नहीं पहन पा रहा है तो हम लोग ग्लव्स को उल्टा करेंगे। ग्लव्स को क्यों उल्टा करेंगे, बिकॉज हाथ को उल्टा नहीं कर सकते हैं तो ऑब्वियसली ग्लव्स को ही उल्टा करेंगे, तो ग्लव्स को बैक करेंगे। तो बैक कैसे करेंगे, जो 1th वाला फिंगर है, जो 1th वाला ग्लव्स का फिंगर है वो 8th वाले पे जाएगा, जो सेकेंड वाला ग्लव्स का फिंगर है वो 7th वाले पे जाएगा, जो 3rd वाला ग्लव का फिंगर है वो 6th वाले पे जाएगा। कुछ इस तरह से हम लोग फिर इसको मैच कराएंगे। आई होप गाइज कि आपको कुछ समझ में आया होगा कि बेसिकली करना कैसे है। अब हम लोग इसका कोड करते हैं, मतलब समझ में आया ना कि अगर सामने से पहन पाएंगे कब, जब 10 उंगली या जो एन फिंगर्स का जो साइज है वो छोटा हो या बराबर हो जो ग्लव्स के एन फिंगर्स है के साइज से।
नहीं तो फिर उल्टा कर देंगे। उल्टा करने पे क्या होगा? एग्जैक्टली जो फर्स्ट वाला जो ग्लव्स का फिंगर होगा वो सबसे लास्ट वाले फिंगर पे जाएगा हाथ के, तो फिर वैसे मैच कर लेंगे। अब सेकेंड वाले केस में भी क्या होगा? ऑब्वियसली यही होगा कि जो सारे फिंगर्स है का जो लेंथ है वो छोटा होना चाहिए एज कम्पेयर टू, या बराबर होना चाहिए ग्लव के लेंथ के। और अगर हम उसको कोड करते हैं तो कोड तो बहुत सिंपल है, अगर आपको ये समझ में आ गया। पहले हमको क्या मिल रहा है? टेस्ट केस मिल रहा है टी वाइल। मेरा ये कहना ना, आप लंबा क्वेश्चन देखकर डरिए मत, जितना पढ़ने का हैबिट डालिएगा ना आपकी जो रीडिंग एबिलिटी और सॉल्विंग एबिलिटी दोनों अप्रोच आपके काफ़ी सही होंगे। नाउ इंट एन सी इन एन। अब देखिए जो नंबरिंग है ना, नंबरिंग है वो कहाँ से कहाँ तक है? वन से लेके एन तक है। तो हम लोग इस बार जो एरे का मान लेंगे, पर लेंथ मानते हैं, साइज मानते हैं एन प्लस वन। एन प्लस वन क्यों माने? बिकॉज इस बार तो एन प्लस वन ब्लॉक क्रिएट होगा सर, लेकिन हम लोग को तो स्टोर कराना है एन फिंगर का ही वैल्यू, ठीक है? तो एन प्लस वन करने का मतलब क्या होगा? हम लोग जीरो इंडेक्स पर कुछ नहीं रखेंगे, ठीक है? जीरो इंडेक्स में कुछ नहीं रखेंगे, हम लोग वन इंडेक्स वैल्यू रखना स्टार्ट करेंगे, ताकि सिंपल पता चल जाए ना। फर्स्ट फिंगर का साइज दिया, सेकंड फिंगर का साइज मिल गया, थर्ड फिंगर का साइज मिल गया, उस तरह एन फिंगर साइज मिल गया। तो एन प्लस वन लिखने का फायदा क्या हुआ? जो लास्ट ब्लॉक है उसका जो इंडेक्स वैल्यू है वो एन रहता है, तो आसानी रहता है वन से लेके एन तक इवेल्युएट करने में। आई होप ये बात आप समझ रहे होंगे। लेंथ में क्या स्टोर रहेगा? लेंथ ऑफ फिंगर। नाउ इंट ग्लव कर लेते हैं, इसका भी एन प्लस वन कर देते हैं, एंड इसमें क्या रहेगा? एल ई एन जे टी, लेंथ ऑफ सॉरी सीथ, ठीक है, लेंथ ऑफ सीथ। नाउ अब हम लोग फॉर लूप लगाते हैं और वैल्यू इनपुट लेंगे। पहले हम लोग को शायद फिंगर का लेंथ मिल रहा है, तो एन आई प्लस प्लस। हम लोग गलती किए, गलती क्या की? हम चाह रहे हैं कि फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू रखें एंड एन प्लस वन तक, तो लास्ट जो इंडेक्स होगा वो क्या है? एन। तो वन से लेके एन तक में हमारे पास फिंगर का लेंथ स्टोर हो जाएगा, एल ई एन आई। नाउ एज इट इज यही काम करेंगे, कॉपी पेस्ट, एंड इस बार खाली आ जाएगा ग्लव, जी एल ओ वी, ठीक है। अब ग्लव से उसका लेंथ रख लिए हम लोग इंट मानते हैं। अब इंट में हम लोग चेक करेंगे कि ऐसा कितना फिंगर है। पहले हम लोग फ्रंट वाला केस चेक करते हैं, ठीक है? पहले हम लोग फ्रंट वाला केस करेंगे कि मान लो फ्रंट से इंसान पहन रहा है, तो इंट फ्रंट, बस एफ रखते हैं, बराबर जीरो। नाउ फिर पूरा फ्रंट लिख देते हैं, एफ आर ओ एन टी, बराबर जीरो। अब हम लोग चेक करेंगे जब फ्रंट से मैच कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जितना उंगली है सारे फिंगर्स के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए कि जो फिंगर्स का लेंथ है वो सीथ के लेंथ से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो फॉर इंट आई बराबर वन, I less than n plus 1, I plus plus, now what if जो length है finger का वो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए जो glove का जो length है, exactly अगर है तो हम लोग front में को plus plus कर देंगे, ठीक है? अब हम लोग काम करते हैं back वाले के लिए करेंगे, तो int बी एस सी के बराबर जीरो, यहाँ तक क्लियर। नाउ फॉर इंट बराबर आई बराबर वन, आई लेस देन एन प्लस वन एंड आई प्लस प्लस। अब देखो इफ जो लेंथ है आई वो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए जी एल ओ वी, बट इस बार फर्स्ट ग्लव का फर्स्ट फिंगर नहीं जाएगा, ग्लव का लास्ट फिंगर जाएगा, तो एन प्लस वन माइनस आई। अब ये कैसे आया बताता हूँ, बैक प्लस प्लस, ठीक है? अब देखिए मान लेते हैं, मैं इसे एग्जांपल समझाता हूँ। इस वाले केस में हम लोगों ने आठ फिंगर लिए थे, तो फर्स्ट फिंगर कहाँ जाना चाहिए? लास्ट वाले ग्लव के हाथ में, तो एग्जैक्टली तो इस वाले केस हम लोग देखते हैं कैसे कि मान लो आई का वैल्यू वन है, इट मीन्स लेंथ ऑफ फिंगर वन, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ग्लव का फिंगर आएगा वो क्या आएगा? एन कितना था? आठ, तो आठ प्लस वन माइनस वन कितना हुआ? आठ, ठीक है? मतलब फर्स्ट फिंगर का रेस्पॉन्डिंग क्या मिल रहा है हम लोग को? फर्स्ट वाला मिल रहा है, मतलब कि लास्ट वाला फिंगर मिल रहा है। अब सेकंड वाला क्या इसमें होगा? सेकंड फिंगर के लिए हम लोग को क्या मिलेगा? तो एट प्लस टू, सॉरी एट प्लस वन माइनस टू, तो क्या आएगा? सेवन। इसी तरह कर करके हम लोग
हर फिंगर के करस्पॉन्डिंग निकाल ले रहे हैं कि लास्ट, क्योंकि हम लोग ग्लव्स को उल्टा कर दिया ना, तो उल्टा करने के बाद क्या हुआ, जो ग्लव का लास्ट फिंगर है वो हमारे जो फिंगर के जो फर्स्ट फिंगर है, जो हैंड्स के जो फर्स्ट फिंगर है उसमें जाएगा। आई होप कि मेरी बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब इसे इमेजिन कीजिए एक बार, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, ना हम लोग कंडीशन लगाते हैं, इफ अगर फ्रंट का वैल्यू एन है एंड बैक का वैल्यू भी एन है, मतलब कि फ्रंट और बैक दोनों से हम लोग पहन पा रहे हैं, अगर एन से कम होता इट मीन्स कि ऐसा एक उंगली छूट जाता जिसमें कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर फ्रंट का वैल्यू पूरा एन आ गया इट मीन्स कि इसके लिए इस पूरा एन, ये लूप कितना बार चल रहा है, ये लूप चल रहा है एन बार, लूप रन्स एन टाइम, लूप एन बार चल रहा है, इट मीन्स कि एनो बार के लिए, मतलब एन बार के लिए भी ये फ्रंट बार ये चीज़ हर बार चल रहा है, इट मीन्स कि सब उंगली के लिए सेटिस्फाई कर गया ये कंडीशन, इट मीन्स कि फ्रंट से पहन सकते हैं, और सर ये लूप कितनी बार चल रहा है, एन बार चल रहा है, इट मीन्स कि बैक से भी पहन सकते हैं। तो ऐसा हुआ तो हम लोग सी आउट कर देंगे बोथ BOTH। अब हमको देखना पड़ेगा कि पहला कैपिटलाइज है कि कैसे लिखा हुआ है, तो सब कुछ यहाँ पे, यहाँ देख लिया, यहाँ सब लिखा बोथ बैक सब कुछ स्मॉल में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे else if क्या, अगर फ्रंट नॉट इक्वल टू एन है, सॉरी यहाँ पे और नहीं आएगा, यहाँ पे एंड आएगा, एग्जैक्टली एंड, तुम्हारे पास बैक नॉट इक्वल टू एन है, तब क्या आएगा सी आउट नन, एग्जैक्टली एल्स इफ अगर फ्रंट बराबर एन है एंड सॉरी एंड बैक बराबर क्या है, बैक एन के बराबर नहीं है, तो अगर फ्रंट से पहन पा रहे हैं तो हम लोग क्या प्रिंट करा देंगे सी आउट फ्रंट एंडल एल्स, अब कुछ नहीं बचा तो सिंपल जो बचा बैक, मतलब कि अगर क्योंकि एक कंडीशन लास्ट ही ना बचा, सॉरी हम लोग उसको ऊपर लिख ही देते हैं ढंग से, चलिए एल्स इफ अगर फ्रंट फ्रंट अगर नॉट इक्वल टू एन है, लेकिन इस केस में क्या हो गया, जो बैक है BSE के बैक है वो बराबर हो गया एन के, इस केस में क्या हो जाएगा बैक। यस, हमारा कोड कंप्लीट हो गया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा बैक नॉट इक्वल टू एन होगा। यस, नाउ कॉपी कॉपी कर लिया हम लोगों ने, अभी से हम सबमिट करके देखते हैं, काश हमारा कोड सबमिट कर जाए, पेस्ट एंड सबमिट। मतलब क्वेश्चन जितना दिखने में बड़ा होता है ना बेसिकली वो उसमें उतना जान नहीं रहता है, बी सिंपल। तो आप लोग इससे थोड़ा रिलैक्स मैनर में कीजिएगा ना तो क्वेश्चन हो जाता है, जरूरी नहीं, मतलब मैं सच कहूँ मुझे अपने टाइम पे मेरे से एक बार में क्वेश्चन कभी नहीं हुआ, मुझे हर बार 2 से 3 बार सॉल्व करना पड़ता है। बधाई हो दोस्तों, हमारा कोड फिर से सही सबमिट ले लिया, एंड हर बार की तरह ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपको थोड़ा फील की ज़रूरत थी, थोड़ा रियल लाइफ एनालॉजी की ज़रूरत थी कि ग्लव्स को उल्टा कर देंगे तो ये जो फर्स्ट फिंगर है इस केस में, ये सॉरी गलत था क्या, नहीं सही है, एग्जैक्टली बैक में देख रहे हैं ना, फर्स्ट फिंगर जो है वो ग्लव्स के 8वें वाले जो फिंगर है उसके साथ मैच करेगा, सेकेंड फिंगर जो है 7वें वाले साथ मैच करेगा, थर्ड फिंगर 6th वाले साथ मैच करेगा। आई होप गाइस कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, एंड जैसे भी लगा आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, एंड एट द एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि कम्युनिटी जल्द से जल्द बहुत बड़ी हो सके, बिकॉज मेरा टारगेट बहुत ज़्यादा बड़ा है कि मैं आप लोगों को बहुत हाई लेवल पर लेकर जा सकूँ, एंड ये कम्युनिटी भी काफ़ी अच्छी है, यहाँ के मेम्बर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, मुझे काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, मुझे काफ़ी इन्जॉयमेंट मिल रहा है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।